आवन घरा परसूली में सप्त दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने का अंतिम समय या अंतिम पूर्णाहुति और आप सभी इसी उत्साह लालसा से सन समाज में आए हैं, जिससे हम लोग भी संत महात्मा के वाणियों से अपना लाभ उठा सकते हैं। पूज्य सन समाज, अभी आपके समक्ष शॉर्टकट में तो बोले हैं, मैं थोड़ा सा दो मिनट और चल देता हूँ। हमारे संत श्री अनिल साहब एक दिन इसी धरा धाम में, इसी पावन भूमि में एक बच्चे के समरूप समकक्ष खेल रहे थे। अब आप जानते हैं, अपना परसूली ग्राम तो हमारा जजमानी गांव है, बहुत पुराना गांव, और उन्होंने संतों के प्रकाश से, संतों की सेवा से, और खासकर मैं अपने प्रति बोलता हूँ, कई बार अपने घर में स्वयं बंदी कर उसको ले गए भोजन भंडार और सत्संग बैठते थे। उसका आज परिणाम आप समझ, आप जानते हैं। इसलिए उनसे हमें प्रेरणा लेना है, इसी प्रकार से अपने परिवार के बच्चों को हम लोग प्रेरित करके और संत समाज की ओर उनको प्रतिष्ठित करें। लेकिन आज जो समाज बच्चों को संस्कार देते नहीं है, बच्चों के बढ़ाते नहीं है, प्रायः हमारे सभी कबीराश्रम नहीं, जितने संप्रदाय संस्थाओं क्या सब अलिप्त है, बहुत कम मूर्ति है जो उस आश्रम को संचालित कर। इस प्रसंग में आपने जो भी शिक्षात्मक सेवा हम सबके लिए प्रस्तुत किए, प्रेरित किए, वे अस्तुत्य है, वंदनीय है और हम सबको प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा। आपके प्रवचन का सार्थक ये रहा, हम लोग छत्तीसगढ़ में न रहे, कहाँ रहे, ईसगढ़ में। छ का जो अंक है, अंक नहीं बदलना है, बड़ा विषय कठिन हो, छ अंक को नहीं बदलना है, बदलना क्या है, उसकी दिशा बदलना। आप अपनी पंच भौतिक शरीर को नहीं बदलना, आपको अपने सत विचारों को बदलना, सत विचारों अपने को समाहित, शरीर वही रहेगी, ग्राम वही रहेगा, क्या समाज वही रहेगी। इच्छा के आप दिशा को बदल लेंगे तो तीन हो जाएगा, और तीन की दिशा को बदलेंगे तो इच्छा हो जाएगा, दोनों का मूल जुड़ प्रेम। प्रेम की परिभाषा आप बताए, लेकिन मैं थोड़ा बताता डिफिनेशन। जब तक कोई व्यक्ति किसी शब्द की परिभाषा को नहीं जानता,
तब तक उस विषय उस शीर्षक उस हेडिंग उस सही समाज की शिक्षा का सेवा और न श्रोता भी ढंग से समझ करके आज्ञा इसलिए प्रेम प्रेम क्या है। प्रेम में भौतिक स्वार्थ नहीं हो तो समझेंगे माताएं आप बैठे दाल भात रहने चिंता मत 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 मैं जो आध्यात्मिक भोजन आपको खिला रहा हूँ उसको प्रेम की डिफिनेशन है परिभाषा है। हम जो भौतिक पदार्थों को अपना मान लिए हैं और उसमें आसक्त और अध्यात्म विषय को हम लोग भूलते जा रहे हैं ये हमारा क्या है मोह इसको मोह और अध्यात्म विषय को अपने स्वरूप स्थिति ज्ञान को हम लोग जहाँ चंद गुरुओं से साहित्यों से प्राप्त करते हैं तो हमारा निस्वार्थ भौतिक पदार्थों में स्वार्थ न होने के बावजूद अपने स्वरूप स्थिति में अस्तित्व का स्थापन होता है उसका नाम है प्रेम। ये मामूली शब्द नहीं है यदि ऐसा होता तो सभी करते उस साक्षी सब जानते हैं पंडित बहन ढाई आकर पंडित जाल संबोधन करते हैं ऐसा नहीं है। हमारे व्याकरणाचार्यों ने ये लिखा है कि पंडित क्या है यश बुद्धि पंडा साहा पंडित जिसकी बुद्धि बलवान है उसका नाम पंडित। परंतु हम जा पकड़ लिए उस तरफ जा रहे हमें नहीं पाते तो अभी साहब बोले एक शब्द आप लोग सुनते लेकिन आपने कहा है कि दूर के ढोल सुहावने इस बात हमेशा मैं बोलता हूँ हम लोग इतने पीछे हैं कि संस्कार संस्कार की परिभाषा है जो अपने आत्म तत्व से अपने सभी चार आसनों को परिमार्जित करते हैं करना ही अभी संस्कार परिभाषा हम नहीं समझेंगे तो पशु संस्कृत बोले ना हम स्वयं नहीं जानते स्वयं नहीं पढ़े तो दूसरे क्या नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर मर्स ने लिखा है स्टैंड ऑन योर लेग्स डोंट स्टैंड अदर लेग्स तो इंग्लिश में समझते होंगे अनुवाद ट्रांसलेट अपने पैरों में खड़े हो डोंट स्टैंड मत करे हो अदर स्टैंड पैरों मत वो व्यक्ति कर सकता है समाज। राजा राम मोहन राय अकेले दमदारी से राजस्थान में शक्ति पृथक अंत अकेले ये दमदार अवतारी शक्ति पृथक का अकेले अंत पूरे विश्व में घोषणा हो गई शक्ति पृथक अब नहीं होना चाहिए ये महान पुरुषों के थे।
तो हम कबीर साहब के विचारों को लेकर समझे कबीर और समाज। कबीर साहब सबसे बड़ी समाज की सेवा या उपदेश या ज्ञान निर्देश किया है उसको हम लोग बहुत कम जानते। कबीर ने धर्म शास्त्र में जो अज्ञानता का इतना बाहुल्यवाद था कि समय अनुसार शिक्षित आदमी भी अशिक्षित के गियर में पढ़ करके और अपने गुण गुण सत्व को मूल ज्ञान को वो भूल जाते। पहले के समय में कबीर साहब जब नहीं थे उस समय शास्त्र का इतना बाहुल्यवाद था कि जो किसी व्यक्ति से शास्त्र से पराजित हो जाए तो उसको उसका शेष होना पड़ता। और सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण शंकराचार्य और मंडन मिश्र। मंडन मिश्र को हारना पड़ा किसने? शंकराचार्य। और बहुत से सारे प्रमाण है लेकिन अध्ययन होने से नहीं जानते। कबीर साहब ने ध्यान सुनेंगे और बोले की दमदारी से कबीर ने समाज को दिया है। उन्होंने शास्त्र का उन्मूलन किया। उन्मूलन जड़ से उसको समाप्त। इस प्रकार से सभी विद्यालयों में सभी धर्म के गुरुओं से हर जगह जा जा करके और इस त्रुटि इस कमजोरी को सिद्ध किया कि जो शास्त्रार्थ में विजयी होता है उसको अहंकार होता है और जो पराजित होता है उसको ग्लानी होती है, आत्महीन हो जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। ये दो दृष्टि दोष है। दो दृष्टि को आप सब कबीर का दिव्य ज्ञान ऐसा होता था हृदय से निकल करके पूरा विश्व कबीर के इस निशान से सुना। कबीर साहब ने कहा हमें सत्संग की प्रतिष्ठा करना। मामूली वाक्य नहीं है। इनको आप बोलेंगे करेंगे तो आपसे सामने देखने वाला नतमस्तक। सत्संग में ये विशेषता है कि आओ संतों गोष्ठी कीजिए और खाली हो तो हर भर लीजिए। चाहे आप शिष्य क्यों न हो, चोर क्यों न हो, डकैत क्यों न हो, दस्य क्यों न हो, लुटेरा क्यों न हो, यदि हमें तो शब्द कल्याण की बताता है तो उसको हमें स्वीकार। अहंकार इतना खतरनाक होता है अहंकार कि अपने शिष्य को आगे नहीं बढ़ने देता। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम लंगोटी दिया हूं, तुम मेरे आगे बोलते हो, आगे बढ़ रहे हो। गुरु आप समान गुरु आप समान ये क्या कहने के लिए? केवल अपने समान आप अपने शिष्य क्यों नहीं बना? क्यों नहीं शिक्षा दे? क्यों लंगोटी शुरुआत करे? ये बीमारी हर मत हम ये कहते हैं। अभी अनिल सर चौवन अब हम लोगों की उम्र यदि कहूँ तो झूठ लगेगा 94 रनिंग हो जाए तो जनवरी कोई विश्वास नहीं करेगा। और सब जानते हैं आपके ही
परसोली ग्राम में दो तीन बार शिविर लगाया हूँ। मैं जहाँ जहाँ कार्यक्रम करता हूँ आपकी सेवा में, वहाँ शिविर लगाता हूँ एक घंटे सुबह। हेल्थ इज वेल्थ, विदाउट हेल्थ यूजेस, बिना स्वास्थ्य तुम्हारा धन कोई 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 पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुरक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र पुत्री आज्ञा। चार सुख इनमें से एक गड़बड़ाया तो तुम्हारा घर नरक बन गया, इनमें से एक भी कहीं मिस हुआ तो नरक अकाट अटी गए असीमित। इसलिए हम लोग सत्संग का महत्व भूर भूर प्रशंसा हर मत पंथे कवि साहब की जो देन है, सभी सत्संग का महत्व देते सब जगह सत्संग का महत्व। कबीर की अमित और अनंत देन है, आकाश नाप लेंगे आकाश नहीं नाप पाएगा, आकाश नाप सकते हैं लेकिन हमारा सत्संग सत्य की महिमा वो बहुत ही पताल। सागर को नाप ले 1100 मीटर हमारे प्रशांत महासागर की गहराई है, भूगोल नहीं जानते भूगोल समझे। आगे मेरी इसलिए इस बात ध्यान रखेंगे, आप समुद्र गहराई नाप लेंगे आकाश को नाप लेंगे लेकिन सत्य की जो गहराई है उसको आप नहीं नाप सकते, नापना चाहेंगे कि पार्थिव शरीर आपका प्रारब्ध के भोगते भोगते समाप्त हो जाएगा लेकिन सत्य को आप नाप नहीं सकते। संत क्या है, संतों ने लोगों का सत्य शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण से असुविधातु हुई, असुविधातु संस्कृत व्याकरण धातु में होती है, वही असुविधातु से सत्य शब्द की व्युत्पत्ति होती। और सत्य के जो पोषक है, सत्य का शुद्ध संस्कार निर्वहन करते हैं वही संत कहे जाते हैं, और संतों का सत्य का समूहीकरण कलेक्शन हमारा संत समाज होता है। इस भारतीय शरीर का संत समाज नहीं है, ये तो माध्यम है शरीर, परिभाषा सुनिए। जिस क्षेत्र में जिस परिवेश में सत्य का प्रतिपादन होता है, सत्य की स्थिति का अवलोकन होता है, सत्य का प्रतिष्ठापन होता है, सत्य की अनुभूति बताई जाती है, उसी का नाम है सत्संग। लेकिन हम कम बुद्धि से जहाँ अच्छा गाना बजाना होगा तबला पेटी बजेगी और वहाँ सत्संग मनोरंजन है, सत्संग नहीं है। जितने अंश में सत्य का निरूपण हुआ है उतना ही मनोरंजन इन निर्णय ऐसा हम समझे सत्संग। शास्त्रार्थ बता दिया गया है, जहाँ जो हमारे शास्त्र हैं उनका ही वाणी जाल का ही पाप जाल का ही प्रतिष्ठापन होता है, उसका नाम शास्त्र। शंकराचार्य का कहा अविज्ञातेऽपि परे तत्त्व शास्त्र थी निश 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 यदि आपको आत्मज्ञान नहीं है, इस ट्रांसलेट है अनुवाद श्लोक विवेक चूड़ामणि अविज्ञाते परे तत्त्व शास्त्र
यदि आपको आत्मज्ञान नहीं है तो उसके लिए शास्त्र बुद्धि, शास्त्र का ध्यान, शास्त्र जल का बोध निरर्थक कोई काम नहीं। शंकराचार्य की वो विलक्षण बुद्धि थी और उसी कड़ी में विज्ञाते अपि परिशास्त्र साध्य जिसको आत्मज्ञान गुरु बोध करा दी आत्मज्ञान उसके लिए भी शास्त्र बेकार। बोलो सद्गुरुदेव की जय। उत्तम समझ आता है, मामूली शब्द नहीं है। जिसको गुरु स्वरूप बोध करा दिए उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत पर्सनल स्वयं कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अपने बराबर आप किसी छोटे भाई को गुरु भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप शब्दों का शुद्ध शुद्ध का निरख करते उसको समझाइए, क्योंकि साधन से ही साध्य का बोध होता है। हमारा इंद्रिया साधन है, इनके साथ बोलेंगे तो कान से सुनेंगे तो आत्म बोध हो, ये निर्णय। आदमी जो नहीं सुना उनको कठिन लगता है। अब क्या कहते हैं साहब, आपका प्रश्न बड़ा कठिन होता है। आप जो नहीं पढ़े हो, नहीं जाने हो, उसी को जानो तो आगे बढ़ो। जीवन भर चौथी पढ़ते रहोगे तो एमएम कब जाओगे? एक क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़े हो, नहीं सुने हो, उसको सुनो, अनेक दर्शनों से, फिलासफियों से, तब आगे बढ़ो। जिस घेर हम पढ़े उसी बात को कह रहे, सुना रहे, सुन रहे, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं बैठे रहो, आगे बढ़ो। इसलिए समय मेरा थोड़ा बचा है, हम लोग जो वंदगी बोलते हैं इस पर संशोधन। हाँ, एक बात और है, लोग कहते कबीर साहब जड़ मूर्ति का, जात का, समाज का, लोक का, लोक का खंडन किए। कबीर साहब खंडन नहीं किए, आज तक हमें बोध नहीं है। अच्छे से प्रवक्ता लोग चक्कर पड़े हैं, कबीर साहब हर मत पंथ के इस विषय का खंडन किए। कबीर साहब खंडन नहीं किए, कबीर साहब जो हमारी कमजोरियां, बुराइयां, अज्ञानताएं थी उनमें संशोधन किया है। बोलो सद्गुरुदेव की, संशोधन किया है, खंडन नहीं किया। और जो खंडन बोलता है उसको आज तक बोध नहीं है कि खंडन और संशोधन में व्हाट इज डिफरेंस। खंडन में इसी विशेष तत्व संज्ञा का उन्मूलन हो जाता है, उसका नाम खंडन है। संशोधन इसी विषय, इसी संज्ञा में जो कमजोरियां होती हैं, जो भूले होते हैं, जो धोखा होता है, उनमें परिमार्जन होता है, सफाई होती है, उसका नाम है संशोधन। भूल जाऊं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ट्यूशन है, प्रवचन नहीं, ट्यूशन है। प्रवचन क्या है? प्रवचन शब्द हम बोलते थे, समझ नहीं पाते। वचन दुर्वचन कटवचन अश्लील वचन बहुत बचपन। ये प्रवचन क्या? प्र 22 उपसर्गों में से पहला उपसर्ग है। उपसर्ग प्रवचन, उपसर्ग जहां लग जाता है तो वहाँ उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। वचन सामान्य वचन से विशेष वचन, उसका नाम है प्रवचन। फिर वचन क्या ओल्ड टेस्टामेंट के हो, क्या न्यू टेस्टामेंट के हो, क्या वैदिक परंपरा,
जो हमारे जनरल सामान्य शब्दों का अर्थ बदल देते, विशेष पद प्रतिष्ठित करते, उसका नाम प्रश्न मामूली शब्द नहीं है, ऐसा समझे। हम लोग बंदगी बोलते, बंदगी शब्द का अपने हम कह गए कई बार, लेकिन लेकिन किंतु लगी जाता है। हमें वंदगी शब्द की जगह में जानना चाहिए, वह बोलना अपकर्ष है क्या कर्ष, वह बोलना चाहिए वदि धातु से बनता है वंदगी वंदना, पर नहीं बोलना चाहिए। यदि हम वह बोलते हैं तो हमें यह तो ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होने के बाद भी जबरदस्ती बोलेचुअल अंग्रेजी आदत सदगुरुदेव, सदगुरुदेव तो सभी मत मंत्र बोला जाता है, कभी नाम क्यों छोड़ते, सदगुरु का एडजेक्टिव है, कबीर साहब के व्यक्तित्व का एडजेक्टिव विशेषण क्या है, सदगुरु। पहले गुरु थे सत अलग अलग अलग, कबीर साहब दोनों को जोड़ा तब बना सदगुरु। सदगुरु सब मत पंथ बोले जाते, तो सदगुरु कबीर साहब के ऐसे बोलने में क्या आपत्ति है, कभी नाम क्यों छोड़ते जाते हैं। एक वंशावली के संत मुझको नहीं पहचानते थे, इसे बैठा था मैं जनरल, तो वो कोई साहब तो कहा साहब आप पार्टी जीतते, तुम भी तो कह रहे हो पार्टी पार्टी तो पार्टी तो पार्टी जो है कबीर साहब का नाम छोड़ते जाते हैं, केवल सदगुरुदेव से लिख ले। मैंने कहा पहले अपने घर की बात अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए, तब उसी उंगली उंगली अहंकार हमें कोई गलती नहीं। मैंने कहा तुम्हारे हजारों पंपलेट पढ़ा हूं, हजारों पंपलेट पढ़ा हूं, सत्यनाम भी करे कहीं कवि का नाम नहीं, सत्यनाम सत्य क्या है, सत्य कबीर साहब क्या एडजेक्टिव विशेषण क्या है, सत्य तो सभी कबीर का नाम तुम लिख लो, तू कबीर देव है सत्य कबीर लिख लो, बस 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 लोग पूछते साहब कौन साहब है, ये अवश्य साहब अरे पहले मेरा भाव है हम संशोधन सदगुरु कबीर कहने में क्या आपत्ति, कबीर साहब से बोले क्या, लेकिन वो आदत बन गए, आदत बन गए, दोष दर्शन नहीं है आदत बन गए, पढ़ने में बोलने में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जितने मत बन चल रहे हैं, राम है कृष्ण है अल्लाह मोहम्मद जो चल रहे सब अपने आराध्य देव का नाम सब ले। हम अब जिस भाव से मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन टिप्पणी वही जाती है, इसलिए हम कबीर साहब के व्यक्तित्व उसके पर्सनालिटी को समझ करके ऐसा स्वरूप कबीर साहब ऐसा आगे हम पूजा करते, पूजा साहब समझे पूर्ति हो गई है, कोर्स थोड़ा अधूरा हो रहा है, कोर्स अधूरा हो रहा है पूरा कर दे पूजा। हम लोग पूजा किसको मानते हैं, फूल पान नारियल रुपया पैसा जगह जमीन धान सब चढ़ा दिए,
क्या कहते हैं पूजा, ये पूजा नहीं है, ये पूजा की प्रक्रिया है। पूजा को संशोधित या उसको समझाने के साधन है, एक माध्यम है। फिर पूजा क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व आदर्श नैतिकता मानवता सद्गुण संपन्नता उनका मूल्यांकन करना, उनकी कीमत करना, उनका महत्व देना, उनके हृदय हृदयंगम करना, इसका नाम पूजा। ये जो आप करेंगे ना अभी, ये दान है। पूजा भावनात्मक होती है और दान पदार्थात्मक होता है। ये भारतीय इसलिए ये पूजा आरती क्या है? आरत व्याकरण से आप पढ़ लगाएंगे, आरत धन ई से बना आरती। आरत दुख भरी आवाज, करुणा की आवाज होती है, उसका आरत है। की माने इंद्री, उपासक आराध्य देव के सामने रोता है कि हे गुरुदेव आप जिस पद प्रतिष्ठित हैं, आप सुख संपन्न हैं, हमारे आराध्य हैं, आप इतनी विज्ञान से हम भवतारण अवतरित होंगे, इसलिए हम रो रहे हैं। आरती माने रोना, हे गुरुदेव हमें इस संसार के रोने से, इस संसार के बंधन से हमें बचाइए। आरती का अर्थ स्तुति। स्तुति कहते हैं आप जिस महापुरुष की स्तुति भाव से बोलते हैं, उस महापुरुष के सद्गुणों का, उनके ज्ञान के संकलन का, गुणान बात, उसका नाम प्रार्थना। हम किसी से किसी वस्तु को मांगते हैं, उसका नाम है प्रार्थना। अपने मतलब की हम किसी से मांगते हैं, नाम प्रार्थना। इन शब्द परिभाषा है, और जब तक इनकी परिभाषा हम नहीं समझेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और श्रद्धा पर शांति मिल जाएगी, लेकिन आप वो बोल नहीं पाएंगे, बोल बोल के आप सही दिशा सही निर्देश नहीं समझ पाएगा समाज। इसलिए ये तो सब मेरा संयोग था कि यहाँ कार्यक्रम मेरा भी कार्यक्रम चल रहा था कि वो बीच में विखंडन हो गया, आपको दर्शन करने का सौभाग्य मालूम नहीं था क्या कार्यक्रम हो रहा है, बहुत आनंद लगा। हम यही कहता हूँ अंत में, आप मेरे एडवाइस से, सलाह से या कथन से अपने क्षेत्र के जो मूर्ति है उनके भी मैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के मूर्ति मैं स्वाभिमान और गौरव से कहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में कम विभूतियाँ नहीं है, कम महात्मा नहीं है, लेकिन वही दूर घर सुहावने आप बोल दिए, ये बात उन क्या किए। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व कीमत, अब यहाँ साहब बोल रहे हैं घर के बच्चे हैं, सब कुछ है, हमेशा बच्चे तो आज उनका व्यक्तित्व कितना के बढ़ गया, आप उसकी कीमत नहीं करेंगे तो हमेशा हमें कोई गद्दी संस्था समर्थन नहीं होना चाहिए, जो हमें अपने ग्राम के, समाज के, देश के कोई महापुरुष हो
जिनसे निकटतम निकटतम लाभ हो, अधिक लाभ हो, उसमें हमें उनको अवसर देना चाहिए। मेरा अनुभव अभी इतने समाज क्यों है, मेरे नाम से नहीं है, के नाम से हम गांव के साहब है, इतना स्वाभिमान, इतना गुरु साहब हम देवता बन गए, सात पीढ़ी उतारने वाले हो गए, लोग सुंदर देवता की बॉडी सुने, ऐसा ध्यान देना चाहिए। और कभी अबे पहले पीटी से आगे के सोच ले कि पुरुष सबसे आगे सुधार करें, विचार करें और ये मौका दे, आप कोई समिति बनाइए, कोई कमेटी बनाइए, तो जवानों को पहले रखिए, आप केवल सचिव होइए, सचिव महामंत्री और कार्यकारिणी से मुकुट लगाइए, जवानों को आगे लाइए। इसी प्रकार से मैं अपने भाव ही रखता हूँ कि हमारे नवयुवक संत समाज है, मुझे इस पर स्वाभिमान तो गौरव होता है कि आज हम लोग तो सब जिंदे रहेंगे, अब कब हार्ट अटैक हो जाएगा, बोलते बोलते ठिकाना नहीं, तो आगे धर्म की, समाज की, देश की, विश्व की रक्षा हमारे आगे हमारे पूज्य संति हो, उनका सम्मान करिए, जित करिए, सदा कोई लिखा पढ़ने के हम साल एक बार बुलावे, कोई लिखा पढ़ने हम बीच में भी दो दिन गुरु के नाम से संत बुला करके समाज को आगे प्रेरित करें, ये मेरा अंतिम निवेदन। बोले सतगुरु कबीर जय।